लगे सेरा यार इधर आ जाना, सारे यहीं खड़े हैं ना, वहाँ क्या कर रहा है स्पेशल? जाकर दौड़ते हुए चिल्लाते हुए सूचित कर रहे हैं और कुछ लोग उनकी बात को मान भी गए हैं और लेट गए जमीन पे, कान में अंगुलियां डाल कर। बीच में देखें तो ग्राउंड के बीच में अगर एक ऐसा बम जो अब तक फटा नहीं है उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ी बहुत खतरनाक हो सकती है। आंडू एयरमेन कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष ICU रिपोर्टिंग फ्रॉम इंसिडेंट पॉइंट। और ICU सभी पार्टीज से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। सेवा
पल की इच्छा के बगैर सेवा, जैसे भक्तों को अपना आदर्श वाक्य मानने वाला हमारा आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथी ओम जोशी को कि वे अपना स्वागत उद्बोधन दें, तथा साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्रीमान अशोक जी जैन का संदेश पढ़कर सुनाएं। एडीएम श्री ओपी विष्णुई साहब, बीएसएफ से पधारे हुए सभी अधिकारी एवं जवानों, सभी नागरिकों और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के निवासी रह रहे लेकिन आने वाले समय में मिश्रा साहब महानिदेशक अग्नि सेवा नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक काम करते नागरिक सुरक्षा संगठन काम करती है। इसके साथ ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, जान बचाने के पश्चात जो लोगों का पुनर्वसन करना है या वहाँ पे बीमारी नहीं फैले उनको रोजमर्रा। माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश एडीएम साहब ने पढ़ा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का संदेश पढ़ने जा रहा हूँ। संदेश इस तरह से शुरू होता है, प्रसन्नता है कि नागरिक सुरक्षा संगठन 6 दिसंबर 2017 का अपना 55वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। प्राकृतिक आपदा और बाहरी आक्रमण की स्थिति में लोगों के जान माल की सुरक्षा करना शासन व्यवस्था का प्राथमिक दायित्व है। इन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के अधीन इस संगठन ने आपदा और दुर्घटनाओं में राहत कार्य करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। हमारी सरकार ने आपदा प्रबंधन में नागरिक सुरक्षा संगठन के महत्व को समझते हुए राज्य के समस्त जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया है, जिससे आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन का उपयोग राज्य के समस्त जिलों में हो सकेगा। आशा है कि संगठन अपनी मूल अवधारणा नागरिकों द्वारा सुरक्षा और मूल दर्शन सर्वभूत हिते रत की अवधारणा के अनुरूप कार्य करता रहेगा। मैं नागरिक सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश था।